अरे लड़की से बात नहीं किया, मोटरसाइकिल के लिए 50,000 रुपया दिए थे आप लोग, दिए थे पैसा जी, उसको मोटरसाइकिल चाहिए दोबारा, उसके बाद भी मोटरसाइकिल मांग रहा था, हम किसे रहा था फोन पर कि अगर नहीं तो हम अच्छा से नहीं रखेंगे हमारा लड़की को, सोना के अंगूठी ये थी सब, बाइक नहीं देने के कारण उसको नटी दाब दिया, दबा कर मार दिया, अगर कुछ भी शिकायत करेगी भाई भौजाई से तो तुमको और पीटेंगे, इसीलिए मेरे लड़की इशारा से कह रही थी कि तुम लोग कुछ मत पूछना, फोन पर हम कुछ नहीं बता सकते हैं, प्रशासन से फोन पर बात होते रहा था, कुछ बताओ तो नहीं वहाँ के हमारे खाली साहेब सलामत करतली है आ कहतली है जी अम्मा हमरा से तू कुछ मत पूछिए रिकॉर्ड लगा के देवे ला, रिकॉर्ड ही लगा के देते रह तो हम ना पूछते रही है, खाली कहतनी है बबी नया में केहू कुछ कहेला तू बर्दाश्त करी हो, इतने सुसा हम देते रही हो, फिर भी हम जल्दी थाना अध्यक्ष के काम से संतुष्ट बन लोग इन कार्रवाई से, वहाँ का कहनी हटे कि हम पूरा कार्रवाई करते नहीं, अभी जस्ट थाना पर से ही हम निकाब तनी सर कि एक प्रक्रिया चाहे माँ बाप के अरेस्टेड कर ले बनी लड़का यहाँ वहाँ भागत हटे, सिर्फ अभी एक आदमी अरेस्ट भेल बनो, सिर्फ बाप लड़का के बाप अरेस्ट भेल बने ना, वहाँ का कहनी हटे कि मतारी और बाप दोनों भेल बने। नमस्कार, हम बनी अमरजीत कुमार गिरी रहुआ देखा तानी भोजपुरिया झकोरा, अभी हम पहुंचल बानी सारण जिला के ईश्वापुर प्रखंड के केरवा पंचायत के धामा परसा गांव में बानी सन, और एजी के एगो बच्ची के शादी भई रहल सारणे जिला के भेलदी थाना क्षेत्र के बसंतपुर गांव में, जौन कि अभी 2-3 दिन पहले दहेज के लोभी लोग मतलब कि घर के लोग जहाँ पर शादी भई रहल बच्ची के ओ घर के सास ओ घर के ससुर ओ घर के जौन की लड़का रहल जरा से शादी भई रहल इ लोग सबके वो मिलजुल के लड़की के हत्या कर दिहल इ परिवार के आरोप बा, जहाँ पर हम पहुँचल बनी फिर से बता दी कि केरवा पंचायत बा, जहाँ पर हम पहुँचल बनी केरवा पंचायत के धामा परसा गांव बा, और ये धामा परसा गांव में भोजपुरिया झकोरा के टीम पहुंचल बा ये परिवार से मिले खातिर, ये परिवार के का आरोप बा, हालांकि FIR भी दर्ज हो गई बा, तमाम तरह के प्रिंट मीडिया में खबर आ भी चुकल बा, वो लड़की के पिताजी बनी हमारा साथ में तमाम बातचीत हुई, का नाम रहा वह लड़की के बेटी के का नाम रहा नईमा खातून, नईमा खातून नजिया आए अरोबा बता दिया जाए नईमा खातून उर्फ नाजिया परवीन, नईमा खातून उर्फ नाजिया परवीन। अच्छा तो कितना दिन पहले शादी कर ले रही है चाचा? अभी 2 महीना 7 मई 2021 को शादी हुआ था। अच्छा हुआ लड़की के भाई छोटे सबसे छोट भाई, सबसे छोट भाई बने, बहुत बढ़िया। लड़की के छोट भाई का नाम पड़ी रहो? हमारा नाम मोहम्मद अलाउद्दीन है। मोहम्मद अलाउद्दीन कितना दिन पहले शादी बोला? 2 महीना। हाँ आज 2 महीना 8-9 दिन होता है, 9 दिन हो रहा है आज, 2 महीना 9 दिन होता है। अच्छा ये 2 महीना 9 दिन के बीच में बातचीत हो तो अपना बहन से घर के लोग बात करते जी का वहाँ के बताओ तरनी? वहाँ के कुछ ना बताओ तो नहीं हटे। और बहन का बताओ तरनी? हाँ बहन के जब टॉर्चर करत लखल वो लोग तो मोबाइल में रिकॉर्डिंग लगा के वो लोग दे देते लखल वो, तो हमार बहन डर के माने अपने घर से ना बताओ चलिए उतना कुछ भी बताओ तो लिए थोड़ा मोड़ा तो जो ना हमारे परिवार के लोग के अपने टेंशन ना होके, आ एक बाइक उस दिन रात के कॉल कैलक लोग सुबह में कि आपके बच्ची का तबीयत खराब हो गया आप दोनों आके मिल लीजिए, मैं अभी तमिलनाडु से 9 बजे सुबह में उतरा हूँ यहाँ पे। अच्छा आप अभी तमिलनाडु से आ रहे हैं? अभी आ रहे हैं तमिलनाडु से, मेरे पास कॉल गया कि अपने माँ बाप को भेज दीजिए यहाँ पे कि सीरियस तबीयत खराब है, मैं घर पे फ़ोन किया तो उसके पिताजी बोल रहे हैं कि लाइन मार दिया है, उसके माताजी बोल रही है कि एथी हो गया है पेट झल रहा है, उसके एथी बोल रहा है कि फंसी लगा के मर गई, अभी एक बात तो कोई बोल ही नहीं रहा उस वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं बात पर संदेह होता शक होता कि शक देखिए फांसी लगाने का मतलब होता है कि गला ऐसे यहाँ होता है और गला दाबने का मतलब कि यहाँ पे होता है, और मारने का निशान पूरा शरीर में उसका बॉडी में पूरा काला काला हो गया था। तो आप लोग को क्या लग रहा है कि फांसी मतलब कि वो लोग लगा दिए हैं जबरदस्ती गला दबा मार कर उनको गला दबा कर मारा गया है? गला दबा कर मारा गया जी। तो आप लोग FIR किए हैं? जी FIR कर हम लोग काफी भी रखे हैं। अच्छा संग में क्या बोला, क्या कौन सा थाना में FIR किए हैं? हेल्दी थाना में। हेल्दी थाना में FIR कर दिए हैं? थाना अध्यक्ष क्या बोला है? उन्होंने बोला है कार्रवाई होगा। थानादार के काम से संतुष्ट बानी लोग इन? थानादार से जल्दी थाना अध्यक्ष के काम से संतुष्ट बानी लोग इन कार्रवाई से? वहाँ का कहनी हटे कि हम पूरा कार्रवाई करते नहीं, अभी जस्ट थाना पर से ही हम निकाबत नहीं सर
एकर प्रक्रिया चालू बटे ओकरा माँ बाप के अरेस्टेड कर लेले बनी लड़का यहाँ वहाँ भागत हटे। सिर्फ अभी एक आदमी अरेस्ट भइल बानो, सिर्फ ओकर बाप लड़का के बाप अरेस्ट भइल बाड़े ना, वहाँ के कहानी हटे कि मतारी और बाप दोनों भइल बटे। लिखित में देले बड़ा मतारी बाप दोनों अरेस्ट भइल खंदले सर, कोनो लिखित नहीं खेल सर, पर वो पता कोई नहीं है अपना स्तर से, अपना स्तर से पता कोई नहीं है कि लड़की लड़का के माँ भी गिरफ्तार भइल है कि ना सर, हमने के पता नहीं है सर। मैंने थाना अध्यक्ष कहत रहे कि लड़का के बाबूजी के मारी के गिरफ्तार कर, माने हमरा ये जाने के बा कि थाना अध्यक्ष ढील दी के काम से कार्रवाई से रोवा लोग संतुष्ट बानी कि नहीं। अभी तक ले तो पुलिस के ऊपर मान के चली कि जो भी बाटे करवाई वहाँ का कहानी है, भरोसा देनी है ये बात के कि पर हम पूरा मतलब कि अपन लगा पावर लगाएं ऐसा। प्रोग्रामा कहाँ माने नईमा खातून उर्फ नजिया परवीन के हत्या हो गई बाबे, परिवार के लोग आरोप लगावता कि हत्या कर दिया गई बाबे, सबसे दुखद घड़ी बाबे हमने के सारण जिला के ईश्वापुर प्रखंड के धामा परसा गाँव में पहुँचल बनी सन। स्थिति काफ़ी नाजुक बा, दहेज खातिर लगातार लड़की लोग के हत्या हो रहा बा, उन्हें पुलिस प्रशासन हाथ पे हाथ रख के बैठल बा। हालांकि भेलदी थाना अध्यक्ष के द्वारा लड़का के पिता और जैसे कि अभी बतावल जाता कि लड़का के माँ के भी गिरफ्तार कर लिया गई बा, का कहें बेटी से फोन पर बात होते रहा था, कुछ बताओ तो नहीं वहाँ के हमार खाली साहेब सलामत करी है आ कहत लिए जी अम्मा हमरा से तू कुछ हो मत पूछिए रिकॉर्ड लगा के दे देला। मोबाइल में रिकॉर्डिंग लगा के देते रहला, हां रोमले रिकॉर्डिंग लगा के देते रहला, तो हम ना पूछत रहनी है खाली कहत नहीं है बबी नया में केहू कुछ कहेला तू बर्दाश्त करी हो, इतने सुसा हम देते रहनी हो। फिर भी हम गइल बानी बबी से अपना भेंट करे तो हमार बबी इतना बात हमरा से कहली जी अम्मा हो तू का करी अइलू हो, तारा अइला से बहुत लोग के दिक्कत बा। अच्छा रवा भेंट भेंट करे गइल नहीं तो करे गइल बानी तो आरु कुछ बबी ने की कहले। अच्छा जब पता चलल कि बीमार फोन आवे लागल कि बीमार बानी करंट मार देले बा चाहे कोनो दिक्कत भइल बावे आई लोगन त के गइले जी से यहां से तो बहुत लोग गइल बा लोग के जे हम माने अपना परिवार में के गइल बा रौड़ा कि यहां के गइल बा अपना परिवार में हमारा सारा परिवार गइल बा फैमिली हमार सब लोगन कहां देखने लोगन कौना स्थिति में देखनी अपना बेटी के हम किचन घर में देखा किचन में जी सारा लोग इसी तरह फेंक दिया था और कोई नहीं था वहां पे किचन में कोई नहीं नहीं कोई नहीं था पहले मैं गए थे वहां पे लेकिन कोई नहीं था वहां पे कोई नहीं खे उजा पलंग पर से सुता रहा है जाके या खाटी पर सुता है इसी तरह खटिया पर सुता खटिया पर सुता बड़ा है लाश खटिया पर सुता बड़ा है वहां पर कोई हम लोग देख के गिर गया हम लोग का होश नहीं ना ना वीडियो में हम देखले बने वीडियो में गर्दन पर कुछ निशान टाइप के बाटे है निशान गर्दन पर है पीठ पर पूरा नीचे शरीर पर पूरा है हम लोग का रोवा लोग इनके का शक बुझाता कि मारल गइल बा पीटल गइल बा ओकरा बाद हत्या कर है सर मार के दबाया गया है मार कर गला दबाया गया है पहले पूरा पीटल गइल बा ओकरा बाद से गला दबा दिया दबावल बा पूरा नहीं टूटा तो उसको लड़की बोली कि हम मां बाप से बताएंगे उसी के कारण दाब कर खत्म कर दिया सारा सबूत चैन के लिए और मोटरसाइकिल के लिए दहेज के लिए बात किया उसका आदमी बोला कि अपने माँ से मोटरसाइकिल चैन मांग कर लिया नहीं तो हत्या कर देंगे तो वो लड़की दबा कर रख ली थोड़ा मोरा मुँह से इशारा ऐसे ऐसे बताई है उसका पति गला दबा दिया है यहाँ तक निशान है पीछे नहीं निशान है हमने दुपट्टा खींच कर देखा इन लोग कहा कि जहर खा के मारा है लेकिन हमने देखा कि दुपट्टा नोच कर यहाँ पर दबा दिया है पुलिस से पहले हमने देखा फिर पूरा मैंने देखा तो बॉडी पलट दिया पूरा उघार दिया सब मार कर छाला छाला कर दिया है काला काला पूरा बॉडी में घोप घोप कर मुआया है हम अपने आँख से देखा मेरे माँ नहीं देखा बेहोश हो गया हम देखा माने कि मोटरसाइकिल और चैन खातिर शादी भैले के बाद से लगातार मांगल जाते रहा जी फोन पर हमको धमकी दे मोटरसाइकिल चाहिए सबसे ज्यादा हमसे बात किया उसका पति मेरे लड़की से बात नहीं किया मोटरसाइकिल के लिए 50,000 रुपये दिए थे आप लोग दिए थे पैसा जी इसको मोटरसाइकिल चाहिए दोबारा उसके बाद भी मोटरसाइकिल मांग रहा था फोन पर अगर नहीं तो हम अच्छा से नहीं रखेंगे हमारा लड़की को सोना के अंगूठी ये थी सब बाइक नहीं देने के कारण उसको नोटिस दाब दिया दबा कर मार दिया अगर कुछ भी शिकायत करेगी भाई भौजाई से तो तुमको और पीटेंगे इसीलिए मेरे लड़की इशारा से कह रही थी कि तुम लोग कुछ मत पूछना फोन पर हम कुछ नहीं बता सकते हैं
प्रशासन से पुलिस से काम मांग करे रुआ उसको फांसी फांसी चाहिए फांसी जान के बदला जान हम जान ले जान के बदला जान 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 के बदला जान जान चाहिए हम जान चाहिए बेटी का पदीना में बेटी चाहिए ना तो हम मर्डर चाहिए हमरा मर्डर चाहिए एक के जान दू जान चाहिए मर्डर कहिए हमरे फांसी चाहिए हमरा लड़की के फांसी जान के मतलब जान जान के मतलब जान वे जवान के लड़की रहे जान के मतलब जान जान के बदला जान चाहिए जान के बदला जान चाहिए जान चाहिए जान चाहिए फांसी चाहिए फांसी लगाने बाद फांसी चाहिए जैसे मायने बाद फांसी लगाने बाद फांसी चाहिए बस फांसी चाहिए बिल्कुल दर्दनाक घटना घटल बा और परिवार के जे लोग बा परिवार के जे सदस्य बा आस पास के जे सदस्य बा ये गांव के जे लोग बा सब लोग दुखी बा पीड़ित बा और बहुत आक्रोश में बा और सब लोग आस पास के महिला ये गांव के महिला लोग जितना शासन से हमारे लड़की मोहल उतना शासन से घोप घोप कम हुआ है थे हम लोग देखते थे बगल में छुप गया है फोन देखते थे कौन काम बिगाड़ दिया मेरा काम उखाड़ लिया लड़का बोल रहा है हाँ अभी लड़का बोल रहा है सऊदी वाला एगो लड़का है उसके फोन पर करता है उनका बड़े भाई बॉडी देख रहे हैं कि लाश लेकर जा रहा है उसका भाई कि कंपटीशन में गलत फरिया लीजिए तो हमको फरियाना नहीं है मर्डर करना है बस मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं करे कर वाला तो देख सकता नहीं कि मौत के बदला मौत चाहे फांसी परिवार के आसपास के जनता के मांग बाकी जमुना रूप में परिवार के बच्ची के गाँव के बच्ची के हत्या भइल बा वही रूप में हत्या होके के चाहे पुलिस प्रशासन के द्वारा फांसी दियाओ आ ना तो हत्यारा के लेके आके गांव में कह दियाओ ताकि एज के जनता एज के आदमी न्याय कर सको और वो लड़की के न्याय मिल सको। सबसे बड़ा दुखद स्थिति बा कि लगातार और आसपास के जनता भी बतावता कि पुलिस प्रशासन के काम से हमनी के संतुष्ट नहीं किसन पुलिस प्रशासन के तीन दिन से ज़्यादा हो गई अब तक ले मुख्य आरोपी जोन बा लड़का ओकरा के अब तक ले प्रशासन के द्वारा गिरफ्तार नहीं कल गई कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता भेलदी थाना के ऊपर भेलदी थाना अध्यक्ष के ऊपर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता कि अब तक तीन दिन हो गए घटना के और लड़का जोन की मुख्य आरोपी बा ओकरा के अब तक गिरफ्तार नहीं कल गई और लड़का धमकी भी देता कि का कर ले लोगिन कुछ नहीं खलोगिन कर सकत हमार तो सबसे बड़ा दुखद बात बावे और लगातार मांग करता परिवार लगातार परिवार के मांग बा आसपास के जनता के भी मांग बा कि लड़का के और जे भी दोषी बा ओकरा के फांसी होके के चाहे फांसी से कम सजा हमनी के कोनो मंजूर नहीं है आ ना तो लड़का के और परिवार के ले आके हमनी के बीच में कर दे सब हमनी के समझ ले सन कि का करे के बावे लगातार हमनी के बनल बनी सन लगातार हकीकत दिखावे का प्रयास चलता देख सकता नहीं कि कौना तरीका से दू महीना पहले शादी भई रहा लड़की के और दू महीना के बीच में लगातार मोटरसाइकिल और सोना के चैन के मांग पूरा ना भइला हालांकि परिवार अपना सामर्थ्य के अनुसार 50,000 रुपया भी दिल रहा शादी में लेकिन सोना के चैन भी दिया रहा शादी में सोना के अंगूठी दिया रहा लेकिन सोना के चैन खातिर और मोटरसाइकिल खातिर लड़की के हत्या कर दिया गई और ये फिर से बता दी कि घटना जोन बा हत्या भइल बाबे भेलदी थाना के बसंतपुर गाँव बाबे वो गाँव में हत्या भइल बाबे लड़की के गाँव जोन बा लड़की के अपन जोन घर बाबे ईश्वापुर प्रखंड की सारण जिला पड़ी ईश्वापुर प्रखंड के केरवा पंचायत के धामा परसा गाँव पड़ी और लगातार हमने की हकीकत दिखावे का प्रयास करते नहीं सुन और भोजपुरिया झकोरा के माध्यम से भी भेलती थाना अध्यक्ष के सूचना कि थानादार साहब जल्द से जल्द परिवार के न्याय दी ये परिवार के लोग आसपास के जनता ये गांव के जनता आक्रोशित बा कहीं ज़्यादा आक्रोशित ना हो जाओ एकरा के रोकल जाओ और रोक के ए परिवार के न्याय दिवाल जाओ। लगातार हमने के बनल बनी सन आज हम रनी है सारण जिला के ईश्वापुर प्रखंड के केरवा पंचायत के भामा परसा गांव से कैमरा के पीछे हमारे सहयोगी अंकित कुमार के साथ धन्यवाद।